India's self-belief has won this test match for them. I have caught glimpses of it, but I think kal tak, day four tak, everyone thought that England is in the commanding position where वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे उनको लीड पे और उसके बाद दे विल गो आफ्टर आफ्टर द बॉलर्स. बट जो चीज़ एक सेल्फ बिलीफ होती है जिसके बारे में लोग टेस्ट क्रिकेट में बात भी करते हैं और जनरली बात करते हैं, इफ़ यू डोंट हैव दैट यू कांट विन. एंड इंडिया हैज़ प्लेंटी ऑफ इट बिकॉज दे वन सो मेनी गेम्स नाउ और इतनी एक उनका अच्छा स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है कि वो एक सेल्फ बिलीफ की कमी नहीं है. आई वॉन्ट टॉक अबाउट मोहम्मद सिराज. ही इज़ टर्निंग आउट टू बी अ वर्ल्ड क्लास बॉलर. जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स ली एंड देन अब यहाँ पे भी आके जो है लॉर्ड्स में विकेट्स लेना, ही इज़ स्पेशल. एक तो ही इज़ क्विक, दूसरा ही हैज़ ग्रेट कंट्रोल, तीसरा उनका जो एंगल बनता है द वे ही इज़ एबल टू टेक द बॉल आउट एंड द फैक्ट दैट ही बोल्स फुल, ही पिचेज इट इन लाइन ऑन वन स्पॉट. आई फील लाइक दैट्स बीन द बिगेस्ट चेंज फॉर मी फॉर फ्रॉम एन इंडियन टीम परस्पेक्टिव ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. जो इंडिया की टीम ने पेस बॉलिंग निकाली है वो शायद उनके पास आई वुड से 10-15 साल पहले नहीं थी. बुमराह इज बुमराह, उसकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है. यू नो ही कैन स्विंग द बॉल, ही इज़ क्विक एज वेल, ही इज़ एक्यूरेट. फिर आपके पास ईशांत शर्मा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, ही वॉज ऑल्सो डिसेंट. शामी, लेट्स नॉट फॉरगेट शामी. आई थिंक बट शामी को आज मैं याद करूंगी कि आज जिस तरह से वो खड़े हो गए थे सीना बांध के कि मैंने अपनी विकेट नहीं देनी और मैंने स्कोर भी करना है. तो वो जो पार्टनरशिप थी दैट चेंज थिंग्स फॉर इंडिया. आई फील ऑफ कोर्स यू नो लाइक उस टाइम पे जिस तरह से उन्होंने डिक्लेयर किया और जिस तरह से उन्होंने बॉल्स लीव की, जो सब्र के साथ जिस तरह वो खेले, आई थिंक ये सब टेल एंडर्स के लिए एक मैसेज है. आजकल की क्रिकेट में टेल एंडर नहीं है कोई. यू हैव टू बी अ बोलर हु कैन बैट एज वेल. दैट इज द डिमांड ऑफ टेस्ट क्रिकेट, दैट इज द डिमांड. क्योंकि क्रिकेट चेंज हो चुकी हुई है, अब एवरीबडी कैन बैट अ बिट. पिचेस भी थोड़ी बेहतर हो चुकी हुई हैं ओवरऑल बैटिंग के लिए, तो यू नीड टू बी एबल टू बैट. ये नहीं हो सकता कि आप पुराने जमाने 90s की तरह बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना कि यू दो की एवरेज, तीन की एवरेज के साथ आप वहां पे हो. जो रेजिलियंस इन दोनों ने दिखाई है, क्या ही बात है. सो वेल डन इंडिया, कंग्रेचुलेशंस. आई थिंक जब अच्छी क्रिकेट कोई भी खेलता है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे आप पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो. देर इज नो डाउट कि यहाँ पे इंडिया को फुल क्रेडिट जाता है. अगर आज ड्रॉ भी होता मैं फिर भी कहती जिस तरह से इंडिया खेला है, यू नो दे रियली डिजर्व टू विन. सो वेल डन टू देम. आई एम रियली इम्प्रेस विद देयर बोलिंग अटैक एंड मोर इम्पोर्टेंटली विद देयर फाइटिंग स्पिरिट. कि यू नेवर बिलीव दैट यू कैन लूज, यू ऑलवेज हैव दिस थिंग इन यू कि हम किसी भी पॉइंट से जीत सकते हैं. और वो सेल्फ बिलीफ है जो कि आपको मैच जिताता है. सो वन अप इन द सीरीज. इंग्लैंड परस्पेक्टिव क्विकली आई विल से वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इंग्लैंड ने अपने हाथ से मैच उनको दिया है. इंग्लैंड के पास अपॉर्चुनिटीज थी कि वो क्लोज डाउन करते इस पार्टनरशिप को. आई थिंक दे गॉट ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी ईगो भी आ गई, फील्ड भी उन्होंने खोल दी. जब आपके पास 2 विकेटें रह गई आप फील्ड क्यों खोल रहे हो, क्यों डिफेंसिव हो रहे हो. यू हैव टू कीप ऑन बोलिंग दैट चैनल, द चैनल दैट कॉरिडोर ऑफ अनसर्टनिटी. वहीं पे जेम्स एंडरसन और सारी बाकी बॉलर्स को बोल करना चाहिए था. आई थॉट दे गॉट कैरिड अवे. और एक दफा आपने एक अच्छी टीम को, यू अलाउड देम टू कम बैक, दे विल डेफिनेटली टेक देयर अपॉर्चुनिटी. पर मेरे हिसाब से इंग्लैंड ने जहां मैच हारा है दैट इज देयर बैटिंग. इंग्लैंड की बैटिंग अभी से नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि जी ये वाइट बॉल के इफेक्ट्स हैं. 2-3 मेरे ख्याल सालों से, काफी 2 सालों से तो मैं कहूंगी इट्स बीन ऑन द डाउनवर्ड स्लोप. देयर हैज बीन नो स्कोर्स. आप देख लो जो रूट के अलावा कोई टीम में है ही नहीं. डॉम सिबली और रोरी बर्न्स को कितने चांसेस मिलेंगे. जॉनी बेस्टो एंड बटलर हैव टू स्टैंड अप. 20-30 से काम नहीं बनेगा, यू नीड टू स्कोर बिग 100s. केएल राहुल को देख लें जैसे उसने खेला. सो इंग्लैंड की बैटिंग इज अ ह्यूज कंसर्न राइट नाउ ऑन टेस्ट क्रिकेट. और इस बैटिंग के साथ वो ये सीरीज नहीं जीत सकते. दे हैव टू स्टैंड अप, दे नीड टू फाइंड द रिप्लेसमेंट्स एंड इफ दे डोंट हैव द रिप्लेसमेंट्स देन दीज मैन नीड टू डिलीवर बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अटैक दैट इंडिया हैज एंड दे वन विदाउट अश्विन. सो अश्विन की जरूरत भी नहीं पड़ी. सो ग्रेट टेस्ट मैच, रियली एंजॉयड इट. एंड मैं आप लोगों के कॉमेंट्स में जानना चाहती हूँ कि आपके क्या राय है इस टेस्ट मैच के ऊपर.